एवरीवन, माय नेम इज पूजा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप थंबनेल में देख के पहचान गए होंगे कि आज मैं किस टॉपिक पे बात करूंगी। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि कैसे आप अपने स्किन से, अपनी बॉडी से टैनिंग को रिमूव कर सकते हो। भले वो टैनिंग आपके फेस पे है या फिर आप बहुत ज्यादा सन एक्सपोजर की वजह से टैनिंग ज्यादा हो गई है, नेक पे है, हैंड्स पे है, फुट पे है, वो कैसे हम इजी तरीके से और बहुत ही इफेक्टिव तरीके से रिमूव करें, तो मैं कुछ आपके साथ प्रोडक्ट शेयर करूंगी विच इज वेरी इफेक्टिव और वेरी अफोर्डेबल, इवन बहुत ज्यादा नेचुरल भी है, तो हर कोई इसे यूज कर सकता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक का बटन जरूर दबाएं, और इसी तरह की इन द फ्यूचर और वीडियो देखना आप पसंद करें तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर ले मेरा चैनल, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले बात कर लेते हैं कौन से प्रोडक्ट मैं आपके संग आज शेयर करने वाली हूँ। दिस इज अ इंडियन ब्रांड जिसका नाम है रियो हर्ब्स। ये इंडियन स्किन केयर ब्रांड है, जो इनके सारे प्रोडक्ट काफी ज्यादा नेचुरल हैं, नेचुरल इंग्रेडिएंट से बने होते हैं, किसी भी तरह का कोई केमिकल नहीं होता है, पैराबेन फ्री, क्रुएल्टी फ्री। तो अगर आप मैन है या वुमेन है दोनों यूज कर सकते हो इनके सारे ही प्रोडक्ट। रियो हर्ब्स इज अ इंडियन स्किन केयर ब्रांड जिसके ब्रांड एम्बेसडर है सोनाक्षी सिन्हा, जो इन्हें प्रमोट करती है इसको। तो मैंने ये प्रोडक्ट यूज किए हैं और रियली में मुझे इनके फर्स्ट एप्लीकेशन से ही बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट देखने को मिला, वही मैं आपके संग शेयर करूंगी। चलिए अब मैं आपके संग शेयर करती हूँ वन बाय वन प्रोडक्ट। सबसे पहला है रियो हर्ब्स डी 10 क्रीम विद ग्रेपसीड ऑयल, ऑलिव ऑयल एंड चमेली ऑयल। गाइज, ये एक डी टैनिंग क्रीम है, लाइक नॉर्मल क्रीम नहीं है, एक फेस मास्क की तरह काम करती है। जब आप इसे फर्स्ट टाइम अपने फेस पे अप्लाई करोगे तो फर्स्ट टाइम ही आपको इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा, जो मैंने अपने फेस पे भी देखा है। मैं आगे डिटेल में बात करूंगी कैसे यूज करना है और ये कैसे आपके स्किन पे वर्क करेगा। सेकेंड प्रोडक्ट है जो मेरे पास है वो है रियो हर्ब्स सन प्रोटेक्शन स्प्रे विच हैज SPF 50 और ये क्वांटिटी मिलती है 100 ml। और जो मेरे पास थर्ड प्रोडक्ट है वो है विटामिन सी डेली ग्लो फेस शीट मास्क, जिसके अंदर है लेमन एंड एलोवेरा। ये तीनों एक ऐसे प्रोडक्ट है जिसको अगर आप अपने स्किन केयर रूटीन में ऐड कर लोगे तो आपकी स्किन इंस्टेंट ब्राइट होगी, ग्लो करेगी, अच्छे से सॉफ्ट नरिशमेंट रहेगी, प्लस आपकी स्किन से जितना भी टैनिंग होगा वो भी रिड्यूस हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं इस डी 10 क्रीम के बारे में, ये कैसे आपकी स्किन से टैनिंग को रिमूव करेगा और उसके साथ कैसे आपकी स्किन को ब्राइट बनाएगा। दिस इज रियो हर्ब्स डी टैनिंग क्रीम इज अ नो ब्लीचिंग क्रीम फॉर सन रिमूवल। इसमें किसी भी तरह की ब्लीचिंग नहीं है एंड स्किन को ब्राइट एंड इवन टोन करने में भी हेल्प करेगी क्रीम। इट इज फॉर्मुलेटेड विद नेचुरल एक्सट्रैक्ट लाइक ग्रेप सीड ऑयल, ऑलिव ऑयल एंड चमेली ऑयल, विच गिव्स अ इंस्टेंट व्हाइटनिंग एंड फेयर लुकिंग स्किन। यू विल सी अ विजिबल रिजल्ट विद द फर्स्ट यूज ऑफ दिस क्रीम, लाइक स्किन को इंस्टेंट इवन टोन देगी, स्किन को इंस्टेंट ब्राइट करेगी। फॉर द बेस्ट रिजल्ट आपको वीक में एक से दो बार इसे यूज करना पड़ेगा। इसके इंग्रेडिएंट की बात करें तो इसके अंदर है ऑलिव ऑयल, ग्रेपसीड ऑयल एंड चमेली ऑयल, किसी भी तरह के कोई हार्मफुल केमिकल नहीं है, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है जो बहुत ही अच्छे तरीके से आपके स्किन पे इफेक्टिव तरीके से वर्क करेगा। इसके टेक्सचर की बात करें तो आपको देखने में नॉर्मल क्रीम लगेगी, बट इसे एज अ फेस पैक अप्लाई किया जाएगा, वो मैं आगे आपके साथ शेयर। इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट है चमेली ऑयल वर्क्स एज अ मैजिक इंग्रेडिएंट इन रिमूविंग सन टैन एंड लाइटनिंग स्किन टोन। इसके अंदर चमेली ऑयल है वो एक मैजिक इंग्रेडिएंट है जो मैजिक तरीके से आपकी स्किन को लाइट, स्किन को इवन टोन और स्किन को ब्राइट करने में हेल्प। दिस डी टैनिंग क्रीम इंस्टेंटली रिमूव योर सन टैनिंग, गिव्स अ स्किन व्हाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग इफेक्ट। प्लस आप जब इसे फर्स्ट टाइम इसे अप्लाई करोगे गाइस, जब आप इसे रिमूव करोगे इस क्रीम को, तब फर्स्ट ही इसके एप्लीकेशन के बाद ही आपको इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा, जो मेरे को पर्सनली फील हुआ जब फर्स्ट टाइम मैंने इसे अपने फेस पे अप्लाई किया था। देन आफ्टर रिमूव दिस आई एम रियली शॉक, बिकॉज ऐसा लगा कि मेरी स्किन जितना भी टैनिंग है निकल गया है, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि वो ना इवन टोन और बहुत ज्यादा लाइट और ब्राइट इफेक्ट देता है फर्स्ट एप्लीकेशन के बाद। जब आप इसे रेगुलर बेस पे यूज करोगे लाइक वीक में एक से दो बार, तो अच्छा रिजल्ट आपको और देखने को मिलेगा। और दिस क्रीम कैन बी यूज्ड इन अ नेक, या आपके नेक पे बहुत टैनिंग है, हैंड्स पे टैनिंग है, आपके फुट पे है, वहां भी आप इस क्रीम को यूज कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं इसे कैसे यूज करना है। अप्लाई अ थिन लेयर, एक थिन लेयर लगानी है इस डी 10 क्रीम की ऑन अ क्लीन फेस। आपका फेस पूरी तरह से क्लीन होना चाहिए, लाइक कोई मेकअप है तो मेकअप रिमूवर से उसे रिमूव कर लीजिए, या पॉल्यूशन, डर्ट, इम्प्योरिटीज है तो आप उसे क्लीजनिंग मिल्क से, क्लीजनिंग वाटर से उसे रिमूव कर लीजिए। देन फेस को वॉश करिए, देन उसको पहले ड्राई कीजिए। तो क्लीन फेस होना चाहिए, क्लीन फेस पे आपको एक थिन लेयर लगानी है एंड लीव इट अनटच्ड फॉर एटलीस्ट 15 to 20 minutes। इट्स लाइक अ क्रीम, तो एक थिन लेयर आप जब लगाओगे जहां जब पूरे नेक पे या पूरे फेस पे, इसको टच नहीं करना है, उसके बाद 15 to 20 मिनट तक उसको छोड़ देना है, अंटिल जब तक ये ड्राई नहीं हो जाता। आफ्टर
20 मिनट्स मसाज फेस जेंटली विद वाटर एंड रिमूव द क्रीम. लाइक जब आप 20 मिनट्स बाद इस फेस पैक को पहले रिमूव करने से पहले अपने हाथ पे पहले पानी कर लें, थोड़ा सा गीला कर लें फेस या हाथ गीला कर लें, देन मसाज करें उस क्रीम को एटलीस्ट 20-30 सेकेंड. एंड उसके बाद गीले फिंगर से, गीले हाथों से या फिर अपने आप ले सकते हो वेट टॉवल से उसे रिमूव कर सकते हो. पहले वेट टॉवल से रिमूव कर दीजिए, फिर बाद में आप नॉर्मल पानी से इसे धो सकते हो. तो इस प्रोडक्ट का बाय लिंक भी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, इवन कूपन कोड भी अवेलेबल है. आप उस कूपन कोड के थ्रू जाके लोगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा इस प्रोडक्ट पे. तो सारी डिटेल मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो आफ्टर वॉच दिस वीडियो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स मेरा चेक करना ना भूले. आफ्टर यूज दिस D10 क्रीम अपने स्किन को ना मॉइस्चराइज करना ना भूले. विटामिन सी डेली ग्लो फेस शीट मास्क विच हैज लेमन एंड एलोवेरा एक्सट्रैक्ट. ये शीट मास्क इंस्टेंट आपकी स्किन को ब्राइट देगा, इवन स्किन को लाइट करेगा. और ये काफी ज्यादा अच्छा शीट मास्क लगा बिकॉज फर्स्ट एप्लीकेशन पे आपको एक स्किन में ग्लो मिलेगा. द बेस्ट इज दिस इज सुटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप्स. इफ यू हैव ऑयली एक्ने प्रोन है तब भी आप शीट मास्क को यूज कर सकते हो. दिस विटामिन सी ग्लो शीट मास्क इज अ परफेक्ट फॉर डेली बेसिस. डेली भी यूज कर सकते हो, नहीं तो वीक में 2-3 बार भी यूज कर सकते हो. इस शीट मास्क के अंदर एलोवेरा एक्सट्रैक्ट है, विटामिन सी है और लेमन एक्सट्रैक्ट है, जो आपकी स्किन को एक मल्टीपल बेनिफिट देंगे. लाइक स्किन को ब्राइट करने में, स्किन को अच्छे से क्लीन करने में भी यूज करेंगे. तो आप अगर मेंस है, वुमेन्स है, आप आराम से इन प्रोडक्ट को यूज कर सकते हो. सारे रियो हब्स के जितने भी प्रोडक्ट हैं वो मेन वुमेन्स दोनों यूज कर सकते हैं. इस प्रोडक्ट है उसके लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ बताने के लिए, बिकॉज मुझे इतना ज्यादा अच्छा लगा और मैंने कभी यूज भी नहीं किया था अभी तक अपने स्किन केयर में. ये है रियो हब सन प्रोटेक्शन स्प्रे विच हैज SPF 50. ये एक स्प्रे है. तो जैसे हम सनस्क्रीन लगाते हैं जिसके अंदर SPF 50 होता है, SPF 30 होता है, SPF 25 भी होता है, जो नॉर्मल क्रीम बेस होते हैं, तो जेल बेस भी आते हैं, बट इट्स अ स्प्रे. मतलब मैंने फर्स्ट टाइम यूज किया था, रियली में मुझे इतना ज्यादा पसंद आया, बिकॉज आपको ज्यादा झंझट की जरूरत नहीं है, ज्यादा मॉइस्चराइजर लगाने की जरूरत नहीं है. आपको जस्ट बिफोर स्टेपिंग आउट 15-20 मिनट्स पहले या 30 मिनट्स पहले आपको पूरे फेस पे स्प्रे करना है. देन यू रेडी टू गो, इजी टू अप्लाई. और बहुत ज्यादा अच्छा लगा मुझे इसका फॉर्मूला. तो चलिए इस सनस्क्रीन स्प्रे के बारे में और डिटेल में बात करते हैं. सनस्क्रीन स्प्रे हैज SPF 50, तो अच्छा खासा SPF है आपको सन की हार्मफुल यूवी रेज से बचाने के लिए. और दिस इज वेरी लाइट वेट, बहुत ज्यादा लाइट वेट है, नॉन ग्रीजी है एंड डेली यूज फॉर्मूला है, जो आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करेगा हार्मफुल UVA UVB रेस से. इसका जो फॉर्मूला है बहुत ज्यादा लाइट वेट है, नॉन ग्रीजी है, नॉन ऑयली है, तो आपकी स्किन किसी भी तरह की है. इट इज एनरिच विद गुडनेस ऑफ कैरेट ऑयल, वाटरमेलन एक्सट्रैक्ट एंड विटामिन ई, रिच इन विटामिन ए एंड ई दैट हैज टू अवॉइड सन डैमेज एंड फाइट साइंस ऑफ एजिंग. अगर बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि जो सनस्क्रीन होता है गाइज, वो साइंस ऑफ एजिंग से भी फाइट करता है. तो ये स्प्रे क्या है ना, बहुत इजी टू अप्लाई है, लाइट वेट है. जब आपका मन किया आपने स्प्रे कर लिया, इवन आफ्टर 2 आवर या 1 आवर आप इसे रीअप्लाई भी कर सकते हो. एंड इवन यू कैन यूज इन ऑल ओवर योर बॉडी. आप फेस के अलावा अपने हैंड्स पे, फुट पे, पूरे बॉडी पे अप्लाई कर सकते हो अगर आप सन में निकलने से पहले. वैसे तो मैं कहूंगी सनस्क्रीन घर पे भी अप्लाई करते हैं, बट ऐसा नहीं है इस स्प्रे को घर पे यूज नहीं कर सकते, आप इसे घर पे भी यूज कर सकते हो. तो कैसे यूज करना है, जस्ट अ स्प्रे ऑन एनी एक्सपोज पार्ट ऑफ योर बॉडी एंड स्प्रे इट ऑल ओवर. जब आप फेस पे इसे स्प्रे करें तो थोड़ा सा 10-20 इंच से दूर रखें, अपनी आईज को क्लोज करके पूरे फेस पे स्प्रे कर लें. उसके बाद एयर ड्राई होने दें या फिर डैब डैब करके इसे आप इसे एब्जॉर्ब कर ले. बट ये बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है, जो आपको पता भी नहीं चलेगा. बट ये बहुत ज्यादा अच्छा है फॉर्मूला, जो आपको हार्मफुल यूवी रेस से प्रोटेक्ट करेगा, प्लस आपको किसी भी तरह का हैवीनेस नहीं देगा, किसी भी तरह का स्टिकी ऑयली जैसा फील आपको नहीं कराएगा. तो इसे मेंस वुमेन्स दोनों यूज कर सकते हो, स्टेपिंग आउट बाहर जा रहे हैं, बाहर जाने से पहले, या फिर घर पे भी आप इसे डेली यूज कर सकते हो फॉर द बेस्ट रिजल्ट. और अगर मैं अपनी फीडबैक की बात करूं तो मेरा फीडबैक बहुत ज्यादा अच्छा रहा है इन प्रोडक्ट के साथ, इवन D10 क्रीम के संग बहुत ज्यादा अच्छा रहा है फर्स्ट एप्लीकेशन में ही. तो मैं आप सभी को बोलूंगी जिनको भी टैनिंग का इश्यू है, मेरे मोस्ट ऑफ द सब्सक्राइबर व्यूअर्स को है, तो इस D10 क्रीम को डेफिनेटली एक बार जरूर ट्राई कीजिए, आपको जरूर पसंद आएगा और आपको एक इफेक्ट भी दिखेगा फर्स्ट एप्लीकेशन पे. तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना ना भूले इस वीडियो को देखने के बाद. तो चलिए गाइज, इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ. होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी. तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से कंटेंट और एक अच्छे से स्किन केयर या न्यू लॉन्च प्रोडक्ट के रिव्यू के साथ. तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में. तब तक अपना ख्याल रखिए, स्टे सेफ, बाय बाय, टेक केयर.